महासमुंद में निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा ने पुलिस को छका दिया। शराब की अवैध बिक्री के विरोध में मोर्चा खोले डॉक्टर चोपड़ा नेहरू चौक पर शराब की अवैध दुकान लगाकर बैठ गए, लेकिन दल बल के साथ भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। आखिर क्यों, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रशासन को खुली चुनौती, खुलेआम लगी अवैध शराब की दुकान, प्रेस विज्ञप्ति निकाल लगाई दुकान, लेकिन दुकान बंद नहीं करवा पाया प्रशासन। शुक्रवार को महासमुंद के नेहरू चौक पर खुलेआम अवैध शराब की दुकान सजी थी। आमतौर पर शराब माफियाओं की तरह यहां भी बेखौफ कुछ लोग शराब की बोतलें लेकर बैठे थे। हालांकि इनका शराब माफियाओं से कोई संबंध नहीं था, लेकिन खुलेआम अवैध शराब की बिक्री जुर्म तो था। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन लोगों को शासन प्रशासन का डर नहीं था, तो जवाब खुद इन्हीं के मुखिया से सुनिए। 6 बजे हम आपको इतना ही चेक यदि आप परसों कर लेते थाने को तो ये नौबत नहीं आती। चौराहे पर अवैध शराब की दुकान, सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंची तो दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन दुकान खोले बैठे लोग पुलिस मुर्दाबाद के ही नारे लगाने लगे। हैरत की बात यह कि अच्छे अच्छों को पानी पिलाने वाली पुलिस यहाँ कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ सब पानी ही था। हम लोगों ने उनसे वहाँ जाकर बोला कि आपने शराब बेचने का एक विज्ञप्ति दी है और आप जो ये बॉटल रखे हो हम उसको चेक करेंगे। फिर हमने एक्साइज के अमले के साथ में और पुलिस बल के साथ में उन बॉटलों को चेक किया। एक्साइज अधिकारियों ने उन बॉटलों को चेक किया, उसमें पानी पाया गया। हमने सूंघ के भी देखा, किसी तरह की अगर शराब उसमें रहती तो हम निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करते उनके खिलाफ। असल में ये सारी गांधीगिरी महासमुंद के निर्दलीय विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा की थी, जो अवैध शराब को मुद्दा बनाकर चुनाव जीते थे। बावजूद इसके उनके क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर लगाम नहीं लगी, जिससे परेशान डॉक्टर साहब ने इलाज के लिए नया नुस्खा इख्तियार कर लिया। जहर को जहर से मारने के लिए इन्होंने खुद ही लगा दी अवैध शराब की दुकान। बस नई बोतलों में अवैध शराब की जगह था प्लेन पानी। कुछ चंद पैसों के लिए जो है वो यहाँ का प्रशासन अवैध शराब की बिक्री करा रहा है। इस पर एक व्यंग, इसमें शराब की बोतलों में पानी था। हम सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पे जो है ये बताना चाहते थे कि कितना प्रशासन ने खुली छूट दी है शराब बिक्री की, कि आज गली गली में, मोहल्ले में, गांव गांव में प्राइवेट ठेके हो रहे हैं। विधायक जी का आरोप है कि सरकार तो अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए सख्त है, लेकिन अपनी कमाई के लिए प्रशासन इन पर लगाम नहीं लगा रहा, इसलिए व्यंग और प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने ये कदम उठाया। पानी है, शराब नहीं है। हम जानते हैं कि शराब समाज को बिगाड़ रहा है, लेकिन ये एक प्रकार का प्रशासन पर करारा तमाचा और व्यंग है। ये सही है कि अवैध शराब को रोकने के लिए गठित आबकारी विभाग की मिलीभगत से ही अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। वैसे जिस तरह खबर मिलते ही यहाँ प्रशासन पूरे एक्शन में आ गया, अगर दूसरे मामलों में भी वो मुस्तैदी दिखाए तो वो दिन दूर नहीं जब अवैध शराब का कारोबार चलाने वालों को पानी से ही काम चलाना होगा। समय के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।